बीजेपी से पाली विधानसभा सीट से ज्ञानचंद पारक ने नामांकन पत्र दाखिल किया। एसडीएम को नामांकन पत्र सौंपते हुए अपनी संपत्ति का ब्यौरा भी दिया। पिछले 5 साल में विधायक पारक और उनकी पत्नी सरोज की संपत्ति में 1,27,32,643 रुपए का इजाफा हुआ। जयपुर में फ्लैट है, पाली में फैक्ट्री और पत्नी के नाम 5 प्लॉट ले रखे हैं, जिनकी बाजार कीमत वर्तमान में लाखों रुपए में है। उसके बाद भी विधायक पारक और उनकी पत्नी पर वर्तमान में 30,18,255 रुपए का कर्ज है, जो उन्होंने जयपुर में फ्लैट और कार खरीदने सहित अन्य पारिवारिक कामों के लिए लिया। पारक 5 बार पाली विधायक रह चुके हैं। 5 साल में खरीदा 300 ग्राम सोना, 2 किलो चांदी। अपनी संपत्ति के दिए ब्यौरे में विधायक पारक ने बताया उनके पास वर्तमान में 250 ग्राम सोना, 3 किलो चांदी है। वहीं उनकी पत्नी सरोज के पास 500 ग्राम सोना और 5 किलो चांदी के जेवर है। वर्ष 2018 में नामांकन के दौरान उन्होंने खुद के पास 225 ग्राम सोना, 2.5 किलो चांदी और पत्नी के पास 425 ग्राम सोना और 3.5 किलो चांदी बताई थी। इस हिसाब से पिछले 5 साल में उन्होंने पत्नी और खुद के नाम 300 ग्राम सोना और 2 किलो चांदी खरीदी। जयपुर में खरीदा फ्लैट, पत्नी के नाम 5 प्लॉट। विधायक पारक पाली के महावीर मार्केट, लक्ष्मी मार्केट में 1-1 शॉप ले रखी है। वही ज्ञान टेक्सटाइल इंडस्ट्री, नारायण प्रिंटिंग प्रेस, भास्कर विहार में 1 गोदाम खरीद रखा है। इसके साथ ही जयपुर के द्वारका रेजिडेंटी अपार्टमेंट में फ्लैट ले रखा है और आदर्श नगर में मकान है। वही पत्नी सरोज के नाम अदेश्वर नगर में 2 प्लॉट, महावीर गृह निर्माण में 1 और मेगा हाईटेक सिटी में 2 प्लॉट ले रखे हैं। कार और फ्लैट का चल रहा बैंक से लोन, अपनों से लिया लाखों कर्ज। विधायक पारक ने जयपुर में फ्लैट ले रखा है, इसके साथ ही क्रेटा कार खरीद रखी है, उसका बैंक से लोन चल रहा है, साथ ही LIC भी लोन होना बताया है। देनदानी में विधायक पारक ने अपने पिता घीसूलाल पारक से 1,64,520 रुपए, सुरभि पारक से 5,79,642 रुपए, दिनेश पारक से 8,33,207 रुपए, अमरचंद जैन से 5 लाख रुपए प्रमुख रूप से उधार लेना बताया है। वहीं उनकी पत्नी सरोज ने अपने ससुर घीसूलाल पारक से 4,98,475 रुपए, पति ज्ञानचंद पारक ने 5,32,784 रुपए, सुरभि पारक से 12,24,625 रुपए और अर्पित पारक से 5,52,656 रुपए उधार लेना बताया है। विधायक पारक के पास वर्तमान में 1,95,000 और उनकी पत्नी सरोज के पास 45,000 रुपए कैश है। 5 बार विधायक रह चुके 63 साल के ज्ञानचंद पारक 5 बार पाली विधानसभा सीट से भाजपा से विधायक रह चुके हैं और 1 बार नगर परिषद सभापति भी रहे हैं। लोगों को निशुल्क दवाएं अपने घर से देने और विधवा महिलाओं को रसोई किट भी निशुल्क देते हैं। इनकी ऐसी सेवाओं के चलते वे लगातार 5 सालों तक वोट्स के टच में नियमित रहते हैं। लो प्रोफाइल है, अधिकतर मामलों में देखा गया है कि किसी के भी आमंत्रण पर उसके घर में आयोजित होने वाले सामाजिक प्रोग्राम में सहज रूप से पहुंच जाते हैं। पहली बार वर्ष 1998 में विधायक बने। पाली की राजनीति में अहम योगदान रखने वाले जैन समाज से आते हैं। क्यों मिला टिकट? पिछले 5 विधानसभा चुनाव से उन्हें पार्टी टिकट दे रही है और हर बार वे जीत कर आ रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं में अच्छी पकड़ है। पाली विधानसभा सीट से फिलहाल भाजपा के पास इनसे मजबूत प्रत्याशी नहीं है। पाली विधानसभा में भाजपा पार्टी का केंद्र बिंदु ज्ञानचंद पारक ही माने जाते हैं। माइंस पॉइंट, कभी इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले राकेश भाटी और उनकी पत्नी सभापति रेखा भाटी से इनके संबंध बिगड़े हैं। कई बार दोनों एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी कर चुके हैं। विवाद के चलते सभापति रेखा भाटी और उनके पति राकेश भाटी को पार्टी से निष्कासित करवाने में इनकी भूमिका रही। ऐसे में राकेश भाटी निर्दलीय मैदान में उतर रहे हैं, जो कहीं न कहीं भाजपा के वोट बैंक में सेंधमारी करेंगे। भाजपा जिला प्रवक्ता तिलोक चौधरी भी इनसे खफा चल रहे हैं।